जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 13 अगस्त 2022 शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि 24:55 और 27 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है और 9 डिग्री पर स्थित है। आज नक्षत्र शतभिषा है और शतभिषा नक्षत्र 23:29 और 8 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी राहुदेव है। दर्शक, आज हम त्योहार की बात करें तो भाद्रपद आरंभ हो चुका है और आज का राहु काल 9:14 और 4 सेकंड से 10:52 और 40 सेकंड तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:57 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शक, को रत्न धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि का 6 भी है। दर्शकों, आज का दैनिक उपाय आप सभी को जो अवश्य करना है, आज करना यह है कि आज शनि देव को तिल्ली के तेल का दीपक अवश्य जलाइए, अर्थात तेल का दीपक, अर्थात तिल्ली के तेल का दीपक आज शनि देव को अवश्य जलाइए। मात्र यही उपाय आज आपको सभी को अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, नक्षत्र से आज चंद्रमा का अपने से तीसरे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 5:57 और 13 सेकंड पर कर्क लग्न बन रहा है। कर्क राशि के अंदर ही सूर्य और शुक्रदेव हैं। सिंह राशि के अंदर बुध देव हैं। तुला राशि के अंदर केतु देव हैं। मकर राशि में शनिदेव हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा है। मीन राशि में बृहस्पति है। मेष राशि में राहु है तथा वृषभ राशि के अंदर मंगलदेव है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। दर्शकों, यदि आपके पास में आपकी कुंडली है तो उसके आधार पर जो आपका लग्न बनता है आप वह फलादेश फॉलो कीजिए और यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो फिर आप अपने प्रचलित नाम से जो राशि बनती है उसके आधार पर आप राशिफल फॉलो कीजिए। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों से। आज का दिन आपका अच्छा तो रहेगा क्योंकि चंद्रमा आज आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, अकस्मात लाभ के अवसर भी दे रहा है, लेकिन राहु के कारण से आज भ्रम की स्थिति भी रहेगी और अति उत्साह में आकर के आपको कोई काम आज नहीं करना है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन राहु के कारण से आप अकस्मात लाभ के अवसर तो प्राप्त करेंगे, लेकिन आपने यदि थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वो अवसर आपके आपके हाथ से भी निकल जाएंगे। आज कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही आपको नुकसान अवश्य पहुंचा सकती है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन सोच समझ करके काम के लिए आगे बढ़ना है। अनावश्यक भागदौड़ आज नहीं करनी है तथा बड़े सपने तो आप देखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो बड़े सपने क्या आज पूरे होने भी हैं या नहीं। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आज आपको मित्रों का सहयोग तो दिलाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे अवसर भी मिलेंगे जिनका यदि आपने फायदा नहीं उठाया तो आप एक बहुत बड़ा अवसर भी खो देंगे, लेकिन इसकी संभावना कम बनती है कि आप उन अवसरों को अपने हाथ से जाने दें। इसीलिए एकाग्रचित होकर के कार्य कीजिए, आज बड़ा अवसर आपको अवश्य मिलने वाला है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको अस्थिर विचार देगा, मन के अंदर असंतुष्टि का भाव रहेगा तथा अत्यधिक सोच विचार आज आपको आपके दिन को प्रभावित भी अवश्य करेगा। राहु के कारण से आज आप रुकने वाले नहीं हैं, डटने वाले नहीं हैं तथा अपने कार्य को पूर्ण करके ही दम लेंगे, लेकिन मन की अस्थिरता आज आपके कार्य में बाधा अवश्य डाल सकती है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मित्रों से सावधान रहने का है। पैसे का लेन देन सावधानी से करना है तथा एक बात का ध्यान रखना है कि आज आप जिस चीज को भी कर रहे हैं उसके अंदर आपने बहुत डिटेल में जाकर के एनालिसिस किया है, लेकिन ये राज आपको आज अपनों को नहीं बताना है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको अकस्मात लाभ के अवसर देगा। आज आप बहुत ही शातिर तरीके से अपने कार्यों को पूरा करेंगे और शातिर तरीके से कार्य इसलिए भी पूरा कर रहे हैं क्योंकि आज आप किसी को भनक भी नहीं लगने देंगे कि आपके मन में क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन
आपको कुछ ऐसे अवसर देगा जिनका फायदा आप अपने लिए अवश्य उठाएंगे, लेकिन आप आज अपने तरीके से ही काम करेंगे, दुनिया के नियम कायदे आज आप फॉलो नहीं करेंगे और लीक से अलग हटके काम करने के कारण ही आज आपको कुछ बड़ी सफलता भी अवश्य मिलेगी। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन यात्राओं पर जाने का नहीं है, सोच समझ करके कार्य को पूर्ण करना है, फालतू के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है तथा राहु के कारण से आज बड़े सपने तो आप देखिए लेकिन केवल सपने ही आप देखेंगे, धरातल पर जब उसको पूरा करने जाएंगे तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते थे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन धन का व्यय अधिक होगा। आज पार्टनर के द्वारा भी कुछ धन को लेकर के कुछ मतभेद हो सकते हैं, ऐसे में आज वित्तीय लेन देन बहुत ही शांत स्वभाव के साथ अपने सुलझाइए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा के कारण से विचार अस्थिर रहेंगे, लेकिन फिर भी आप आज जो काम अपने हाथ में ले रहे हैं उसको पूरा करके ही दम लेंगे। आज बेशक आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपके किए गए कार्यों के परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप अपने शब्दों से कुछ बड़े काम तो अपने पक्ष में करवाने में कामयाब रहेंगे, साथ ही मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा और आज आप अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसी बात लोगों के सामने रखेंगे जिसको सुनकर के लोग आश्चर्यचकित भी होंगे और जो आपकी पर्सनालिटी पर एक अलग तरह का इंपैक्ट भी अवश्य डालेगी। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका प्रयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।